कटक जिले अणायत हो गलानी कोरोना स्थिति। दिन जिते बढ़ुची से कोरोना संक्रमित को संख्या बढ़ुची। द्रुत गति में हॉटस्पॉट जोन रे माड़ी चली कोरोना को काबू करने पुणी कड़ा निष्पत्ति राज्य सरकार। आज राति 9टा पर लागिबो कठोर कटकणा भितरे लॉकडाउन। चारोटी जिला मध्यरे रहिछि कटक जिला। लॉकडाउन हेबा पूर्वरु आज दिन में कटक सहरर विभिन्न परिबा दुकान बजार बसस्टाण देखा मिलता भिड़। लोकंक गहली चहली रही सहित विभिन्न छोट बड़ दुकान भी भिड़ लगी। परिबा मार्केट हेउ अबा सौदा दुकान आवश्यक थारु अधिक सामग्री किणुवा देखा मिली। तबे कोरोना आक्रांतों संख्या ढेर बढ़ुवर राज्य सरकारों निष्पत्तिर आवश्यकता रही कटक महानगर निगम कमिश्नर। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आम तो रेगुलर चली आम प्लान करूँ जो आम एक्टिव सर्वेलेंस रु इलीसारी केसेस जो बाहरी थिला माने जहाँ को ठंडा काश जड़ सिम्टोमेटिक जी भी अच्छा तांकरु आम पूरा टेस्टिंग कराइबार प्लांट आस समय भितर तो आपण मैंने गहली करूँ नहीं परिबा मार्केट रे माछो मार्केट रे दुकान रे गहली करूँ नहीं एसेंशियल आइटम सब अवेलेबल रहिबो। कटक जिला सहित कटक सहर भी कोरोना संख्या दिनक दिन वृद्धि पाइबारे लगी। प्रतिदिन अन्यून सहर 15 पॉजिटिव चिन्हट होती एपरिक केवल कटक सहर ही 324 जन पॉजिटिव चिन्हट हेले। तेणु यह लॉकडाउन समय मध्य कंटेनमेंट जोन सहित अन्यान्य स्थान में किपरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव सर्विलांस उपरे अधिक गुरुत्व दिया। लॉकडाउन समय सका 6 दिन गोटाए जाए परिबा सौदा और क्षीर दुकान खोला रहा ऑनलाइन डेलीवरी सेवा जारी रहिब। तेणु निज घर पाख दुकान को चली चली समस्त सामग्री किणवाई परामर्श दि जाए। से हीपरि अनुमति थिबा व्यक्ति को छाड़ी अन्यान्य कौनसी भी व्यक्ति राजरास्तारे गाड़ी चलाचल उपरे कटकणा जारी करा जाइथिबा कहिछन्ति कटक डीसीपी। लॉकडाउन जो हमारे पाखापाखि 2 सप्ताह अच्छे से भितर हमारे जो पुराना अरेंजमेंट थिला विभिन्न जगह चेकिंग पोस्ट हो बैरिकेड हो हमारे पेट्रोलिंग पार्टी जो विभिन्न थाना रही गोटे एक्स्ट्रा व्हीकल सब थाना को दिया से सब जिन लोक को हमें रिक्वेस्ट करू विदाउट काम जो परमिटेड वर्क अच्छी परमिटेड वर्क छाड़ा और किसी घर बाहर। कटक जिला को मध्य बाहर जिलार लोकों जास उपरे कटकणा रही आसंता कालीठारु बस यात्रा मध्य प्रभावित हेब। यात्री नहले संपूर्ण बस सेवा को मध्य बंद रखिबा पाई निष्पत्ति नेइछन्ति घरोई बस मालिक संघ। कटक रु वीडियो जर्नलिस्ट सुब्रतंक सह विश्वजीत दासंक रिपोर्ट द अर्गस .in।